हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्शनल स्टडी में। आज मैं आप बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए हूँ, जो आपको बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए उसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला मैंने प्रश्न लिया हूँ क्या, रूट अंडर थ्री, फिर रूट अंडर थ्री, फिर रूट अंडर थ्री, ऐसे बहुत सारा गया है डॉट डॉट, इसका बोलता है मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा और एक इसका जो लॉन्ग है कंसेप्ट उसका बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट आता है क्या, मान लेंगे इसको, मान ली एक्स बराबर या वाई बराबर जेड, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, माना कि एक्स बराबर रूट अंडर तीन, रूट अंडर तीन, रूट अंडर तीन, रूट अंडर तीन, ऐसे गया डॉट डॉट। तो एक्स बराबर माने, अब यहाँ पे देखिए रूट है तो लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि जहां पे रूट रहेगा उसको आप हटाने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड या दोनों तरफ वर्ग करने पर। मैं हिंदी में लिख देता हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करिएगा तो ये जो रूट है खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक से जो एक स्क्वायर हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा सिर्फ, ये रूट में तो रहेगा ही, क्योंकि ये पूरा जो रूट है वो हटेगा इसके जो अंदर, ऐसे है डॉट डॉट। अब देखिए इतना बराबर मैंने क्या माना हूं, इतना बराबर अभी तो बस फर्स्ट कंसेप्ट में बताया था, फर्स्ट स्टेप में कि एक्स माना हो तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर थ्री एक्स, एक्स एक्स कट गया बच, यहाँ पे दो एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर दो एक्स है, अब यहाँ पे एक एक्स बच गया तो एक्स बराबर क्या आ गया तीन, यानी कि लास्ट हमारा तीन ही आंसर आ गया। तो ये हमारा था लॉन्ग, इससे बनाया तो आ जाएगा। यदि ऐसा कोई प्रश्न यहाँ पे रूट में कुछ भी रहे, यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई सम जिसका वर्ग निकलता है उसको छोड़कर कोई भी रहेगा तो यही आंसर आ जाएगा। मतलब यदि रूट अंदर आता सात, रूट थ्री, रूट रूट सात, रूट सात ऐसे रहता तो उसका भी आंसर साथ ही आता, यानी कि जो भी रहेगा रूट के अंदर, ऐसे लिख देता हूं ट्रिक, ऐसे में रहेगा मान लीजिए एन, रूट अंडर एन, रूट अंडर एन, ऐसे रहेगा डॉट डॉट, तो इसका जो आंसर आएगा एन ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक था, ऐसा बना सकता है आसानी तरीके से। अब मैं एक नेक्स्ट ले लेता हूं और प्रश्न, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मान लिया यहाँ पे रूट अंडर में रहेगा ऐसे, वहां पे तो डॉट डॉट था लेकिन यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा दू रहेगा, रूट अंडर दू, रूट अंडर दू, फिर रहेगा रूट अंडर दू, ऐसे रूट के अंदर चला गया। ठीक है, इसका निकालना है मान गया, इस तरह के पास बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो यहाँ पे इसका डॉट डॉट ले, यहाँ पे उस पहले वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है, पहले जो प्रश्न मैंने लगाया है यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया हुआ। यहाँ पे देखिए इसका जो बनेगा हल होगा कैसे, यहाँ पे गिनना है कि दो के कितने कितनी संख्या है, यानी कितनी बार दो आया है, तो दो को गिनिए एक दो तीन चार, यानी कि दो चार बार आया है, दो चार बार आया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दो के पावर कर दीजिएगा वन माइनस वन बटे दो के पावर चार। तो ये हमारा जो लास्ट पोजिशन आएगा इसका आंसर ही आएगा। तो बस कुछ नहीं करना, जितना रहेगा अंडर में उसको रख दीजिए, तो दो है यहाँ पे वन माइनस कर दीजिए बटन में, दो कितना बार आया है चार बार, इसलिए दो के पावर चार। अब इसको हल कर दीजिए तो वन माइनस दो के पावर चार कर दीजिए, यानी कि दो को चार बार, दो गुना दो, दो गुना दो, यानी कि कितना गया सोलह आएगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ दूनी सोलह, तो वन बटे सोलह लिख दूंगे। ठीक है, अब दो के पास सोलह में से एक जाएगा पंद्रह, पंद्रह बटे सोलह, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे बस इस कंसेप्ट लगाना है, दो रहेगा उसको पावर में वन कर दीजिए माइनस के, जितना दो है उसको पावर में कर दीजिए, दो के पावर चार था तो चार को दो था इसलिए चार लिखा हूँ, घटाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा उसको आप हल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया हूँ। यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप सामने पहले पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू अगेन।